हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। तो आज एक बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आई है आईटीआई इलेक्ट्रीशियन स्टूडेंट के लिए। बहुत दिन से इंतज़ार था, वो आज इंतज़ार ख़त्म हो गया है। तो फाइनली यूपी आरवीएनएल TG22 इलेक्ट्रीशियन ग्रेड 2 का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। तो इसी के रिलेटेड आज ये वीडियो है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट कब है, कहाँ पे इसका वेन्यू है, कहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और किस स्टूडेंट का कौन से डेट में होगा और कितना इसका संभावित कटअप गया है, उसके बारे में भी आज हम पूरा डिटेल से बताएंगे इस वीडियो में। तो जो लोग भी हमारे चैनल पे नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आपको अपडेट्स मिलता रहे। तो देखिए, ये ऑफिशियल वेबसाइट है यूपी आरवीएनएल का। यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे ही देखिए दिया हुआ है रिगार्डिंग CBT2 रिजल्ट ऑफ AE ENM इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन पोस्ट ग्रेड 3 और TG22 इलेक्ट्रीशियन पोस्ट कोड 11 शेड्यूल ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ TG22 इलेक्ट्रीशियन पोस्ट कोड नंबर 11 अगेंस्ट एडवर्टाइजमेंट नंबर, इतना दिया हुआ है। तो यहाँ से हम इसको डाउनलोड करते हैं और आपको ले चलते हैं ऑफिशियल नोटिस पे और पूरा डिटेल्स उसको बताते हैं कि कब क्या होने वाला है। और जो लोग भी हमारे टेलीग्राम चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं। तो आइए चलते हैं हम ऑफिशियल वेबसाइट ऑफिशियल नोटिस पे। तो ये रहा ऑफिशियल नोटिस। देखिए, ऑफिशियल नोटिस को हम पूरा डिटेल से समझेंगे। देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, उत्तर प्रदेश सरकार का ये उपक्रम है। देखिए, नीचे इसमें डिटेल से लिखा हुआ है, कंप्यूटर आधारित परीक्षा CBT का परिणाम अभिलेखीय परीक्षण की सूचना, विज्ञापन संख्या इतना दिया हुआ है 2019 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड हेतु विज्ञापित विभिन्न पदों में से टेक्नीशियन ग्रेड 2 इलेक्ट्रीशियन पद कोड 11 के दिनांक 14/7/2021 और 15/7/2021 तथा 17/7/2021 एवं सहायक अभियंता प्रशिक्षु ENM पोस्ट कोड 3 की दिनांक 19/7/2021 को कंप्यूटर बेस्ड आयोजित किया गया था। मतलब इसका जो परीक्षा है वो 14, 15 और 17/7 को लिया गया था और जो असिस्टेंट इंजीनियर का है वो 19/7 को लिया गया था। इसी के संदर्भ में देखिए नीचे दिया हुआ है, टेक्नीशियन ग्रेड 2 इलेक्ट्रीशियन पद कोड 11 के पद हेतु आयोजित कंप्यूटर बेस्ड CBT2 में अभिलेखीय प्रशिक्षण एवं सहायक अभियंता के पदों हेतु साक्षात्कार परीक्षा के लिए अंतिम प्रोविजनल रूप में शॉर्टलिस्ट अभ्यर्थियों के परीक्षा परिणाम एनेक्सर 1 में उपलब्ध है। बुलावा पत्र डाउनलोड करने की तिथि, स्थान एवं समय सूचना अभ्यर्थियों को ईमेल के माध्यम से भेज दिया जाएगा। उसको ईमेल आ जाएगा कहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है और किस डेट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है, इसका डेट देखिए मेंशन कर दिया गया है। तो जो इलेक्ट्रीशियन वाले लोग हैं उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 11/10/2021 और 12/10/2021 दो डेट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है इलेक्ट्रीशियन ग्रेड 2 वाले को। और जो असिस्टेंट इंजीनियर वाले भैया लोग हैं उन लोगों का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उसका अभी सूचना बाद में दिया जाएगा, अभी इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कोई सूचना नहीं दिया गया है। तो आइए देखते हैं कौन से लोगों का सिलेक्शन हुआ है। यहाँ पे देखिए डिटेल से दिया गया है रोल नंबर, असिस्टेंट इंजीनियर ट्रेनी ENM इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन पोस्ट कोड 3। तो जिनका जिनका भी रोल नंबर इसमें है उसका सिलेक्शन हो गया है और वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाओगे। ये फाइनल सिलेक्शन लिस्ट नहीं है, ये सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए है। टेक्नीशियन ग्रेड 2 के लिए भी देखिए यहाँ पे इतने लोगों का सिलेक्शन हुआ है और ये जो रोल नंबर दिया हुआ है ये आपका नंबर के बेसिस पे नहीं है। ऐसा ना समझें आप कि जो मेरा फर्स्ट में रोल नंबर है तो मेरा सबसे ज़्यादा नंबर है, ये रोल नंबर के बढ़ते क्रम के अकॉर्डिंग रोल नंबर दिया गया है जिनका जिनका भी सिलेक्शन हुआ है। देखिए आगे इस नोटिस में दिया गया है,
शेड्यूल ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन ग्रेड टू इलेक्ट्रीशियन पोस्ट कोड 11 अगेंस्ट एडवर्टाइजमेंट अमर इतना। देखिए वेन्यू दे दिया गया है कि कहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है, तो एड्रेस देखिए 11 और 12 अक्टूबर 2021 मंडे एंड ट्यूजडे, सोमवार और मंगलवार को 11 और 12 तारीख को होगा। और जगह का नाम है देखिए हाइडल ऑफिस क्लब अपोजिट इलेक्ट्रिसिटी सर्विस कमीशन SLDC कैंपस नियर मंत्री आवास विभूति खंड फेज 2 गोमती नगर लखनऊ। तो ये एड्रेस है, यहीं पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और 11 तारीख को किसका किसका है देख लीजिए, इसमें दिया हुआ है 11 तारीख वाले का, इतना सारा रोल नंबर दिया हुआ है उसका 11 तारीख का है, और बाकी लोग जो बच गए हैं उसका 12 तारीख को होगा। और टाइमिंग भी दिया गया है कि 9 बजे से किसका है, 11 बजे तक किसका है, 11 से 1 किसका है, 11 बजे से किसका है, सारा टाइमिंग दिया गया है कि कौन से समय में किसका होगा, तो आप लोग अपना डिटेल से देख लीजिएगा। और अगर कट ऑफ का बात करें तो अभी तक मैं जितना लोगों से सुने हैं मैसेज आया है उसमें से एक्यूरेट मैं नहीं बता पाऊँगा आए हैं उतना में से SC का 122 नंबर पे हुआ है, उसका कौन सा शिफ्ट है ये मुझे नहीं पता है, और OBC वाले का 127 पे भी हुआ है लेकिन शिफ्ट पता नहीं है, और जनरल वाले का अभी तक में मुझे पता चला है कि 135 नंबर पे हुआ है, बाकी अपर नंबर वाले का तो हुआ है, जिसका मिनिमम नंबर था हम उसका बता रहे हैं कि इतना इतना पे लोगों का सिलेक्शन हुआ है। तो आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और शेयर जरूर करें ताकि दोस्त लोगों को भी पता चले। थैंक यू।